हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन था। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है 135 एंड 225। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर खोजेंगे, क्या है 135। तो हम लोग 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। तो यहां पे ये क्या मिलेगा हमें, 1, यहां पे 135, यहां पे 0, यहां पे 9। तो ये वाला अब जो रिमाइंडर बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा ये डिवाइजर की तरह काम करेगा, और जो हमारा पिछला डिवाइजर था अब वो बन जाएगा डिविडेंड। तो यहां पे हो जाएगा 135। अब इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1, और यहां पे 90, अगर इसे माइनस करेंगे तो 5, यहां पे अगर हम करेंगे तो मिल जाएगा 4, और यहां पे अब देखिए ये वाला जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा 45 है, अब ये वाला रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। पिछला वाला डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अगर हम लोग 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, 90 टोटल, और अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे हम लोग डिवीजन को रोक देते हैं वहीं पे। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। ऐसा डिवाइजर जो लास्ट वाला डिवाइजर है, या फिर ऐसा डिवाइजर जो पूरे प्रोसेस को 0 कर रहा है, जो पूरे प्रोसेस के रिमाइंडर को 0 कर रहा है, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहां से हमें एचसीएफ क्या मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 45। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसमें क्या करेंगे, वही काम, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर खोजेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है, 196। अब इस वाले नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को, क्या है, 38220। अगर हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डिवाइड हो जाएगा और कोसेंट आएगा हमारा 195। और यहां पे हमारा एक ही बार में रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। ये हमारा रिमाइंडर है 0 है। हमने क्या बोला कि लास्ट वाला डिवाइजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। यहां पे पहला वाला डिवाइजर ही लास्ट वाला डिवाइजर है क्योंकि एक ही है। तो यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे एचसीएफ हो जाएगा 196। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो इन दोनों में 255 सबसे छोटा नंबर है, और बड़े वाले नंबर में हम डिवाइड करते हैं। तो यहां से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कोसेंट 3, यहां पे 5, यहां पे हो जाएगा 6, और यहां पे हो जाएगा 7। इसे हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, यहां पे 0, और यहां पे 1। अब ये वाला रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और पिछला वाला डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यहां हो जाएगा 255। अब इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, कोसेंट 2, और यहां पे हो जाएगा 402। माइनस करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा 1, यहां पे मिलेगा 5। अब ये वाला रिमाइंडर क्या होगा, फिर से डिवाइजर बन जाएगा, और पिछला वाला डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो अब अगर इसे हम डिवाइड करें तो यहां पे हमें मिल जाएगा कोसेंट 2 मिल जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे हम इस डिवीजन प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं, और जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां से हमें एचसीएफ क्या मिल जाएगा, 51।
तो ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये ध्यान रखिएगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 इस फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर। इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या बोलता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू होती है वो 0 और b के बीच में होता है। r की वैल्यू 0 और b के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है लेकिन कभी भी b नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है और यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर हम ये मान ले, अगर हम लेट करें कि a बी द पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें या इसमें से किसी से भी कंपेयर करें, तो यहां पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। हमने a क्या मान लिया, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब b देखते हैं, तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें b इक्वल टू मिल जाएगा 6। देखिए हमने a को मान लिया, b को निकाल लिया, अब r को भी निकालना है, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। a इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 6, q के स्थान पे q प्लस r, r के जगह पे r ही रहेगा। लेकिन अब ये वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से जहां b था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 6। देखिए सबसे पहले हमने a को मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कंपेयर करके हम लोगों ने b की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू निकाल लेंगे हम अब यहां से, क्योंकि अब हमें यहां कंडीशन पता चल चुका है कि r की वैल्यू मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 6 से कम होगा मतलब 5 होगा। तो यहां से हमें r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 पे इक्वल टू नहीं है। तो ये हमारे r के वैल्यू हो गए। तो हम लोग r की अलग अलग वैल्यू के लिए केस बनाएंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, यहां पे हम r इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर हम r इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q+r, r इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहां से मिलेगा a इक्वल टू 6q। इसी तरीके से अगर हम लोग केस नंबर सेकेंड को देखें, तो यहां पे हम क्या लेंगे, r इक्वल टू 0 ले चुके हैं, अब लेंगे 1। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 6q+r है, r इक्वल टू क्या है 1, 6q+1। इसी तरीके से हम लोग लेंगे केस नंबर थर्ड, यहां पे r इक्वल टू 2 लेंगे, और अब यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू 6q+2। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं और भी केसेस, केस नंबर फोर, इसमें क्या होगा, r इक्वल टू 2 ले चुके थे, अब लेंगे 3, तो हमें यहां से मिलेगा a इक्वल टू 6q+r, r की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू 6q+3। ये केस नंबर फोर हो गया। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर फाइव, यहां पे हम लोग लेंगे r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ले चुके हैं, अब हम लोग लेंगे 4, तो यहां से मिलेगा a इक्वल टू 6q+4। ऐसे ही अब हम लोग अगला वाला केस लेंगे जो कि होगा हमारा केस नंबर 6, इसमें हम लोग लेंगे r इक्वल टू 4 ले चुके थे, अब हम लोग लेंगे 5, यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू 6q+5। तो हम लोगों ने r की अलग अलग वैल्यू के लिए केस बना लिया है। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सो दैट
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हर एक केस को। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है कि a इक्वल्स टू 6q है और q क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। तो अगर हमारा q कोई इंटीजर है और अगर उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमारा इवन नंबर है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। केस नंबर सेकंड को देखते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा इवन है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि 6q इवन है, तो ये हमारा इवन हो गया। अगर हम लोग इवन में 1 ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। केस नंबर थर्ड, यहां पे क्या होगा, 6q+2, 6q हमारा इवन नंबर है और उसमें हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया तो भी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, फिर से इवन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं केस नंबर फोर, इसमें क्या होगा, 6q+3, 6q हमारा इवन नंबर है, हम लोग यहां से निकाल चुके हैं। इवन नंबर में अगर हम लोग 3 को ऐड करें, मतलब ये कि इवन नंबर में अगर हम लोग ऑड को ऐड करें तो आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। इसी तरीके से केस नंबर 5 में क्या होगा, 6q+4, 6q हमारा इवन है, इवन में अगर हम इवन नंबर ऐड करेंगे तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो इसी तरीके से केस नंबर 6 को देखते हैं, यहां पे क्या है, a इक्वल्स टू 6q+5, 6q क्या हमारा इवन है, अगर हम लोग इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो नंबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में होगा, कोई भी ऑड इंटीजर इन तीनों के फॉर्म में होना चाहिए, यही हमें शो करना है। फिर से देखते हैं हम केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू 6q जो कि इवन है, हमें इवन को तो देखना भी नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं कंसीडर करेंगे। केस नंबर सेकंड क्या है, a इक्वल्स टू 6q+1 और ये हमारा ऑड है, यही तो हमें प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर 6q+1 या फिर 6q+3 के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 6q+5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये वाला 6q+1 के फॉर्म में है और ऑड भी है। तो अब हम लोग केस नंबर थर्ड को देखते हैं, ये हमारा इवन है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑड चाहिए था। केस नंबर फोर क्या है हमारा, ऑड है, 6q+3 है, 6q+3 है और ऑड भी है, तो ये वाला केस कंसिडर करेंगे। केस नंबर फोर, ये क्या है हमारा, इवन है, इवन तो हमें करना ही नहीं है कंसीडर, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं होगा। अब हम देखते हैं लास्ट वाला केस, ये भी हमारा ऑड है और 6q+5 के फॉर्म में है, 6q+5 है, तो ये वाला भी क्या होगा, कंसीडर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में होगा और वो चीज हम लोगों ने यहां से प्रूव कर दिया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपको क्वेश्चन नीचे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब ये हुआ कि हमारे पास आर्मी का दो ग्रुप है, पहला है आर्मी कंटिंजेंट, दूसरा है आर्मी बैंड, और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लोग एक कॉलम में, मतलब बहुत सारे कॉलम में परेड करेंगे, मार्च करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमेशा आर्मी बैंड के पीछे ही ये वाला ग्रुप होगा। अगर हम ये मान ले कि इस तरीके से हमारा कॉलम होगा और बहुत सारे कॉलम होंगे, ऐसे अगर हम मान ले कि टोटल एन कॉलम्स होंगे, कॉलम्स क्या होते हैं बेसिकली, जिस तरीके से आप बचपन में प्रेयर करते थे एक के पीछे एक खड़े होके लाइन लगा करके, साइड में भी यही होता था, तो ये क्या है, ये कॉलम हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, यही चीज यहां पे हो रहा है, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। अब आपसे पूछा गया है कि इस तरीके से मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं,
जिसमें ये लोग मार्च कर सकते हैं, लेकिन आर्मी बैंड के पीछे हमारा आर्मी कंटिंजेंट होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम एक कॉलम में ही सारे लोग आ जाए, मतलब आर्मी बैंड के आ जाए, उसके पीछे सारे ये हो जाए। मिनिमम क्या हो सकता है कि एक कॉलम में एक आर्मी बैंड वाला हो, मतलब किसी भी हालत में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो क्या होगा, 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम 32 के 32 एक ही में रख दें तो एक ही कॉलम बनेगा। मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं? अगर हम एक में एक रखेंगे तब भी हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। और हमसे यही पूछा गया है कि टोटल कितने कॉलम्स होंगे। तो किसी भी हालत में जो हमारा आंसर आने वाला है वो 32 से कम ही होगा। और जब 32 से कम होगा मतलब 616 से भी कम होगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो गिवन वैल्यू से कम आएगा। और जब हमारा आंसर गिवन वैल्यू से कम आता है उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का, तो हम ये बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब हम लोग इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। कि सबसे पहले हम इन दोनों में छोटा वाला नंबर खोजेंगे। छोटा नंबर क्या है, 32। इससे डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को। यहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 19 आएगा और यहां पे हमें मिलेगा 608। अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब ये वाला जो हमारा रिमाइंडर है क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और पिछला वाला डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहां से मिल जाएगा कोसेंट 4, यहां पर हो जाएगा 32 और अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होगा हम अपने डिवीजन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पे हमें एचसीएफ क्या मिलेगा, यहां पे हमें एचसीएफ मिल जाएगा 8। तो बेसिकली यही है आपका आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इसे हम सॉल्व करें यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यहां पे हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और r की वैल्यू क्या होती है, 0 से b के बीच में होती है, ये कंडीशन है। अगर हम लोग ये मान ले कि a हमारा क्या है, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम मान ले कि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, अब हम यहां से b की वैल्यू निकालेंगे, a को हम लोगों ने मान लिया है। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे या फिर इससे कर सकते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, कंपेयर करने के बाद b इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा, 3 हो गया। a हमने मान लिया, b हमने निकाल लिया, अब क्या बच गया, r। इसको निकालने के लिए पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू है, बी की वैल्यू क्या है, 3, क्यू की प्लेस पे क्यू ही रहेगा, प्लस आर, आर के प्लेस पे आर ही होगा अभी। अब यहां से आर की वैल्यू डिफाइन करते हैं, अभी तक क्या था, 0 से बी तक था, अब बी की प्लेस पे क्या है, 3 है, तो 3 तक होगा, मतलब 3 से पहले होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 के साइड पे इक्वल नहीं लगा है लेकिन यहां पर इक्वल लगा है। तो यहां से हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगा, R इक्वल्स टू 0 और क्या मिल जाएगा, 1, 2, लेकिन 3 नहीं होगा, सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेगा हमें, 0, 1, 2। अब R के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं
केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होगा, हम लोग r इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो हमें a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3q प्लस r है, 3q प्लस r, r इक्वल्स टू क्या है जीरो, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें स्क्वायर करना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली करते थे, अब हमसे स्क्वायर बोला गया है तो हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, लेकिन हमें लाना क्या है, 3m लाना है। तो यहां से अगर हम ये मान ले, हम ये लेट कर ले कि 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m मान ले, तो यहां से जो a की वैल्यू मिलेगी, a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी क्या होगी, 9q स्क्वायर है, 9q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हम लोग m मान चुके हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × ये क्या है हमारा m है, 3m। तो हमारा ये वाला पोर्शन वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड में हम लोग क्या लेंगे, r इक्वल्स टू 1 लेंगे। अब क्या होगा, a इक्वल्स टू क्या था हमारा, b की वैल्यू 3 था, तो यहां से मिल जाएगा 3q प्लस 1, स्क्वायर करना था तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपको पता होगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा यहां पे हमारा 6q, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू अब हमें किस फॉर्म में लाना था, 3m प्लस 1, और ये हमारा 1 है, तो इसका मतलब अगर हम 9q स्क्वायर प्लस 6q इन दोनों को साथ में ले ले, प्लस 1 को हमने बाहर कर दिया। देखिए हमने सिर्फ ब्रैकेट लगाया है और कुछ नहीं किया है, ये चीज सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर अब हम लोग इन दोनों में से 3 को कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा 3m प्लस 1, तो 3 को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पे ये जो पोर्शन हमें दिक्कत दे रहा था 3m लाने में, उसे हम लोगों ने m मान लिया था, यहां पे ये वाला पोर्शन हमें दिक्कत दे रहा है 3m प्लस 1 लाने में, तो हम ये मान लेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू 1, और अब सॉरी 1 नहीं m मानेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये टोटल क्या है m हो गया, तो m प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से ये भी प्रूव हो गया 3m प्लस 1। अभी भी हमारे पास एक केस नंबर सेकंड बाकी है, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और वो चीज हम लोग सिर्फ दो ही केस से निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग को केस नंबर थर्ड नहीं बनाना है। अगर कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम वही करेंगे, आप a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वहां से आप b की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से आप r की वैल्यू निकालेंगे, और r की जितनी वैल्यू होगी उतने ही केसेस बनेंगे। यहां पे r की 3 वैल्यूज थी, लेकिन दो ही केस में हमारा जो प्रूव करना था वो हो गया, इस वजह से हम लोग केस नंबर थर्ड को नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमें यहां पे ये बताना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालेंगे तो वो इन तीनों में से किसी फॉर्म में होगा। चलिए हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे हम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहां से हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, 0 से b के बीच में होती है, और यहां से तो अगर हम लोग ये मान ले कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है,
तो यहां से हम लोग बी और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को इसमें से किसी से भी कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 9। जैसे ही बी की वैल्यू हमें 9 मिलेगा, अब यहां से अगर बी की वैल्यू 9 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर बी की वैल्यू 9 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9Q प्लस आर, और यहां से हमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा, मतलब आर इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर आर की इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। इतने सारे केसेस बनाएंगे तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, साथ में आंसर वही आना है जो आप इस मेथड से करेंगे, या फिर इसे हम कुछ दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि कोई नंबर है 27, उसे हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर हम लोग इसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तब भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग डिवाइजर को चेंज भी कर दें, मतलब ऐसा डिवाइजर जिससे कि रिमाइंडर हमारा सेम आए, तो हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और बी यहां पे क्या है, डिवाइजर ही तो है, बी हमारा क्या डिवाइजर है, ए हमारा डिविडेंड है, क्यू हमारा कोसेंट है, आर हमारा रिमाइंडर है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बी इक्वल टू 9 के स्थान पे ये ले लें बी इक्वल टू 3, तो अब हम लोग को कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, सिर्फ 3 ही केस बनेगा। देखिए कैसे, यहां पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3Q+R, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3। अब आर की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, बाकी ये सारे केसेस नहीं बनेंगे। अब जब केसेस कम होंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब हम एक एक केस बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग आर इक्वल टू 0 लेंगे। केस नंबर फर्स्ट जब हम आर इक्वल टू 0 लेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3Q+R, और आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0। अगर हम 0 को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या गिवेन है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका क्यूब करना है। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि हमने माना तो है कि लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, तो इस पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्यूब करना है, मतलब अगर इसका क्यूब करना है तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों साइड का हम क्यूब करते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए क्यूब, और इस साइड हो जाएगा 3Q का होल क्यूब। अगर हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब इक्वल्स टू 27Q³। और अगर अब हम क्वेश्चन को फिर से देखें तो हमें सारे आंसर 9m के फॉर्म में लाना है, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, मतलब 9 तो होना ही चाहिए। तो यहां पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें 9 मिल जाए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9 × 3Q³, ये वाला हमारा 9 हो गया, ये वाला पोर्शन हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम ये लेट कर ले कि ये वाला पोर्शन 3Q³ m है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a³ = 9, और ये वाला पोर्शन क्या हमारा m है, तो यहां पे मिल जाएगा 9m। तो अब हमारा पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m। आप लोग इसे लिख लीजिए, अदरवाइज इसे हम इरेज करके केस नंबर सेकंड बनाते हैं। अब हम लोग r इक्वल टू 1 लेंगे, केस नंबर सेकंड में r इक्वल टू 1 लेंगे। अब देखते हैं कि क्या करना है, a इक्वल टू 3Q+R है, तो यहां से हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3Q+R, r इक्वल टू क्या है, 1, तो यहां पर जाएगा 3Q+1। फिर से वही बात है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें क्यूब निकालना है, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3Q+1 इसका होल क्यूब। देखिए अब यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला जो फार्मूला होता है
वो यहां पे लगेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लिख लीजिएगा a प्लस बी होल क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। देखिए यहां पे क्या होने वाला है, ये वाला हमारा सेम रहेगा a क्यूब, ये हमारा क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या, 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a के प्लेस पे क्या है 3q है और b के प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3q प्लस 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल्स टू 27q³ प्लस 1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 9q और ब्रैकेट में क्या होगा 3q प्लस 1। तो अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो यहां से हमें मिलेगा 27q³ प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q। अब हमें फिर से देखना है कि किस फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग इसे रीअरेंज करते हैं, इसके आगे हम लोग इधर करते हैं, क्या होगा a क्यूब 27 a क्यूब इक्वल टू 27 q³, स्क्वायर वैल्यू को भी साइड ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा 27 q² प्लस 9q प्लस 1, क्योंकि हमें प्लस 1 के फॉर्म में मिलाना है और 9 भी लाना है। तो इसका मतलब अगर हम इन सभी में से 9 को कॉमन ले ले तो कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या करना है। जैसे 9 को कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू प्लस ये बाहर वाला आपका 1। अब अगर हम लोग इस वाले पूरे पोर्शन को m मान ले तो हमें मिल जाएगा 9m+1। तो यहां से क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 9, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा टोटल, ये वाला जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है हमारा m है तो m हो जाएगा प्लस 1। तो सेकेंड वाला पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहां से 9m+1। अब तक हम लोगों ने केस नंबर फर्स्ट और सेकेंड को देख लिया है, तो अब हम लोग केस नंबर थर्ड को देखते हैं। इसमें क्या होगा, r इक्वल्स टू हम लोग 0 ले चुके थे, 1 भी ले चुके थे, अब हम लोग लेंगे r इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या था अगर आपको याद हो, a इक्वल्स टू 3q प्लस r था, r इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2 है। और फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या करना है हमको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें दोनों साइड का क्यूब करना है। तो यहां से हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 टोटल का होल क्यूब। फॉर्मूला फिर से वही वाला लगेगा, क्या होगा यहाँ पे 27q³ प्लस 2q क्या हो जाएगा 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में। अब इसके बाद क्या होगा 27q³ प्लस 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18q ब्रैकेट में क्या होगा 3q प्लस 2। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27q³ प्लस 8 प्लस 54q प्लस 36q, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, फिर देखिए हमें क्या लाना है, ये वाला और ये वाला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हम लोग को 9m प्लस 8 लाना है, यहाँ पे 8 है इसे हम साइड में कर देते हैं और बाकी बचे हुए पोर्शन से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, क्या बचेगा अंदर 3q³ प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा 6q² प्लस 4q और ये वाला जो 8 था ये बाहर ही रहेगा आपका प्लस 8। तो अगर अब हम इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को m मान ले तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, a क्यूब यहां पे था तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, इस वाले पोर्शन को हम लोग m मान चुके हैं तो यहां पे हो जाएगा 9m प्लस ये वाला 8 यहां पे होगा। तो इस तरीके से हम लोग अब
9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 को प्रूव कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।